ನಿಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ. हेलो अंबतूर फायर स्टेशन. कहाँ, कब? अभी आते हैं हम लोग. बचपन से पक्के दोस्त हैं. हमारे आसपास कहीं भी आग लगती है तो उसे बुझाने के लिए पहले हम खड़े होते हैं, क्योंकि हमारी इच्छाएं, सपने, लक्ष्य
सब ये फायर सर्विस की नौकरी करना ही है। ये झुलसती हुई आग यहाँ भले ही कुछ भी चला कर ले जाए, लेकिन हम एक भी जान जाने नहीं देंगे। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। सर, जान की बाजी लगाकर इतना बड़ा रिस्क लेना जरूरी था? जान के बदले जान की बाजी ही लगती है सर। तुम लोगों को देखता हूँ ना, मुझे बहुत गर्व होता है। अपने इतने सालों की सर्विस में मेरे लिए बेस्ट फायरमैन तुम लोग ही हो। सर्विस पे रहकर एक फायरमैन जो काम करता है उसी डेडिकेशन के साथ तुम लोग बाहर रहकर काम करते हो। यू आर रियली ग्रेट। थैंक यू सर। ये साल तुम लोगों का ही है, तुम लोग फायर सर्विस ज्वाइन करने वाले हो, बस रिटर्न एग्जाम दे देना, बाकी सब मैं देख लूंगा। अगर इस पल इस दुनिया का सबसे खुश इंसान कौन है ऐसा पूछा जाए तो वो मैं रहूंगा। पता है क्यों इतनी खुशी है? उस नन्हे बच्चे को बचा कर ला पाया उसकी खुशी, उस खुशी की वजह ये गाड़ी है। पता है इस गाड़ी को मैंने पहली बार कब देखा था? जब मैं 12 साल का था, तब हमारे एरिया में आग लग गई थी। उसी दिन पहली बार जिंदगी में मैंने ये गाड़ी देखी थी। उस गाड़ी में से 5 लोग आग की तरफ दौड़ पड़े थे, जलती आग को बुझा दिया, अपनी जान की परवाह ना करते हुए लोगों को बचाया। उसके बाद अपने एरिया के लड़कों से उस गाड़ी के बारे में और उनके काम के बारे में बताए बिना खुद को मैं रोक नहीं सका। मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं पुलिस बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं फायरमैन बनूंगा, मैं भी फायरमैन बनूंगा, मैं भी फायरमैन बनूंगा, मैं भी फायरमैन बनूंगा, मैं भी फायरमैन बनूंगा। सब लोग इनके लिए ताली बजाओ। वहां पर मुझ जैसे वो 4 लोग मिले, हम 5 एक हुए। इस फायर सर्विस के काम में हम सभी को 3 बातें अच्छी लगी। आग से डरकर अपनी जान बचाने के लिए सभी बाहर भागते हैं, लेकिन ये लोग अंदर घुसकर आग से लड़कर कई जाने बचाते हैं। वो बहादुरी, जान बचाने के बाद उनके चेहरे पर आई वो खुशी और बचने वाले अपनी नम आंखों से जो धन्यवाद देते हैं, उन सबको देखकर हमें बदलाव आया। तब हमें लगा कि यही असली हीरो हैं। उस दिन हमने फैसला किया, अगर करेंगे तो बस यही नौकरी करेंगे। सूर्या, हमें लेट हो रहा है, जल्दी चलो। यही नौकरी करनी है भले ही ये हमारा लक्ष्य हो, लेकिन उसके मिलने तक उसका इंतजार करना हमें रास नहीं आया। चलो चलो राइट।
यार कुछ तो अंदर ठीक है, फंसा हुआ खींच, है। खींच, क्या फंसा हुआ है अंदर? आराम से खींच। अरे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। खींच खींच। ठीक है। क्या है देखो क्या यार? एक मिनट। अरे ये क्या? ये तो नारियल है भाई। देखा तुमने? इसे कहाँ पर डाल रखा है इन लोगों ने? पानी तो रुकेगा ही ना। याद है जब लगातार बारिश हुई थी, लोग अपने अपने घरों में डूब गए थे, फिर भी इन लोगों को अकल नहीं आई। पापा चले क्या? हाँ चलो बेटा, मैं निकल रहा हूँ महेंद्र। अरे तो फिर वो चौथी गली? अरे यार वो कल सुबह देख लेंगे, गाड़ी कॉर्पोरेशन में पहुँचा देना। ए, गाड़ी थोड़ा आगे ले ले। चलता हूँ। ठीक है। अरे जल्दी लेना। अरे सूर्या ये क्या, यहाँ तो दाल ही नहीं है। हाँ ला रहा हूँ पापा, ये लीजिए। अरे अरे क्या कर रहा है, संभाल कर बेटा। अरे क्या पापा, जब बड़ी बड़ी आग बुझा कर आता हूँ तब तो आ गया बेटा यही पूछते हैं ना, और अब इतना डर गए? अरे वो तो तेरा काम है, ये थोड़ी है। ये चावल और सब्जी, ये क्या है? ये सब मैं नहीं कर सकता क्या? मेरे रहते आप करेंगे? माँ ने मरते समय आपका ख्याल रखने के लिए बोला था मुझे। देखिए पापा, बाहर आप मेरे बाप हो, मैं आपका बेटा हूँ, लेकिन घर में मैं बाप हूँ और आप मेरे बेटे। बाप का कहना चुपचाप मानना चाहिए। चलिए खाइए। अच्छा है ना? बहुत बढ़िया। हमारे काउंसलर काउंसलर साहब नमस्ते, आपके शेर के दांत मस्त हैं। वो शेर के दांत नहीं, मेरी बीबी के दांत हैं। ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। एरिया का काउंसलर मैं हूँ, मुझे पहनाई जाने वाली माला उसे पहना रहे हैं। अरे ये क्या कर रहे हैं? ये आपके गले में ज्यादा अच्छा लगेगा। सूर्या। हाँ भाई बोलो ना। सूर्या मैंने सुना है मेरी गैर हाजिरी में नाच गाना डांस करवा कर तूने एरिया में खूब मजा किया। अरे ऐसा कुछ नहीं। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई हूँ मैं, जैसे इस एरिया के लोगों की भलाई करता हूँ वैसे तुम्हारी तो। डिस्टर्बेंस, तुम मेरी राह पर चलकर इस एरिया के लोगों की भलाई कर रहे हो, बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ओके भाई। और हाँ मेरी राह पकड़ कर राजनीति में तो नहीं उतरना है। अरे बाप रे, मैं तुम्हारा आज बेवकूफ उल्लू लोफर कदे, एरिया के काउंसलर की कोई इज्जत नहीं है क्या? स्टूपिड। ऐसा कुछ नहीं भाई, मैं तो बस लेटर लेकर के आया था। मेरे लिए? आपके लिए नहीं, उन लोगों के लिए, अपने बच्चों के। हाँ भाई। वाव वंडरफुल। सूर्या फायर सर्विस से तुम लोगों के लिए चिट्ठी आई है। खुशी क्या बात है। कम ऑन गाइस, जादू की झप्पी। अरे हमारे लेटर आ गए यार। इंसल्टिंग। अरे भाई मेरा नाम क्या है? मेरा कौन सा भाई? समुद्र का पानी भी कम नमकीन होता है, लेकिन इस कमीने का पता नहीं आखिरी बार कब दांत साफ किए होंगे। लेटर आया पापा। माँ एग्जाम लेटर आया। माँ हाँ।
अरे वाह, देखो ना माँ, इनका मूड हमेशा ऐसे ही रहता है। अरे उन्हें जाने दो। मुझे पता था बेटा, तुझे ये नौकरी जरूर मिलेगी। तू जीता रहे मेरे बेटे। माय डियर सन, आ गया अंग्रेज का बेटा। इस पूरे एरिया में सिर्फ तुम ही हो फायरमैन। अगर ये फायरमैन बन गया ना, तो एक तरफ की मूंछ और एक तरफ के बाल मुड़वा दूंगा मैं। क्या कहा तूने? तू क्या समझता है? नहीं बनेगा। ये लोग अपने झगड़े में मेरी वाट क्यों लगा रहे हैं? गोरी तेरा गाँव मेरा प्यारा, मैं तुम्हारा हमारा, आके यहाँ रे, आके यहाँ रे, उस पर उन्हें देखने दो। तेरा सारा चंद्रमा। ये क्या है? फायर सर्विस से लेटर आ गया। इसे मैं फिक्स डिपॉजिट में रख लेता हूँ। अब मेरा चुम्मा ले। ये क्या दिखा रहा है? अरे मैं भी दिखा सकता हूँ लिफाफा। लिफाफा दिखाने से काम नहीं चलता, उसमें नोट भी रखे होने चाहिए। पहले अपने आप को साबित कर। और जिसने कुछ ज्यादा ही बेइज्जती कर दी। ये तो खुशी की बात है, इसे पकड़। दीदी ये ले, इसे रख ले। अरे अब जल्दी चल भाई की बहन, उनकी बात पर ध्यान मत दे। दीदी आगे से आपको कोई परेशानी नहीं दूंगा मैं। अच्छा, बड़ा आदमी बन गया है, पगला कहीं का बड़ा आया। चलती हूँ। हेलो फायरमैन। हमेशा ऐसे ही रहना। हाँ, अब हो गया, चलो बैठो। इस दिवाली को कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं। क्या एरिया है, तुमसे ज्यादा मुझे तुम्हारा एरिया पसंद आया। क्या, मुझसे भी ज्यादा? हाँ तुमसे भी ज्यादा। मुझसे भी ज्यादा? हाँ तुमसे ज्यादा। मुझसे भी ज्यादा? हाँ कहा ना। hey. तुम तो हमारे घर में घुसकर यहाँ सभी को इंप्रेस कर चुकी हो, मैं कब तुम्हारे मम्मी पापा को इंप्रेस करने आऊँ? तुम अपनी एग्जाम अच्छे से पास कर लो, वो खुद ही इंप्रेस हो जाएंगी। मेरे एग्जाम से देर हो रही है, मैं चलती हूँ, बाय। हे, मैं तुम्हें घर छोड़ने चलूँ क्या? हाँ, बिल्कुल नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। इस समय हमें यहाँ क्यों बुलाया यार? रैना, हे, क्या हुआ? ये खून कैसा? क्या हुआ है बता ना।
मैं दीदी के घर से खर्चे के लिए पैसे लेकर आ रहा था, तभी एक आदमी ने मुझे रोका। मैं कुछ बोलता उसके पहले उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। मैं सूरी बोल जीवा। सिर्फ अपना ही एरिया नहीं, चाहे जो भी एरिया हो, मैं ही शेर हूँ। अपना टशन दिखाता हूँ इसे। तब मुझे पता चला कि अपना टशन दिखाने के लिए उसने मुझे थप्पड़ मारा था। नहीं देखा? नहीं देखा ना जीवा। उसने ठीक से नहीं देखा रे। अब देखा ना तूने? क्या मेरा हाथ पकड़ेगा तू? है तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? तू नहीं जानता? तूने जीवा को मारा? अरे रुक, ओए तुझे पता है तूने किसे मारा? ए जीवा, अरे चल मेरे भाई, वो मार रहा है। ए जीवा भाग। मैं तो अपने रास्ते से चुपचाप आ रहा था, लेकिन उसने मुझसे पंगा लिया। रहना, अब उसी बात को सोचता मत बैठ, घर जा, जो भी एकल देख लेंगे। ओके, ए तुम लोग भी सो जाओ। अरे उसने अपने रैना को मारा है यार। कल सुबह हम सबकी एग्जाम है, भूल गया क्या? पर किसी ने हमारे दोस्त को मारा। ए जाकर सो जाओ सब। आ बैठ, मुझे उसको देखना है जिसने तुझे मारा। पहले उसको दो लगाते हैं, उसके बाद पुलिस के हवाले करते हैं। बैठ। तू अकेला ही जाएगा क्या? हम सबको नहीं ले जाएगा? सूर्या यार, जिसको धक्का दिया था वो तो मर गया। झूठी बीड़ी के लिए झगड़ा करके मुझे सोते हुए उठाकर पुलिस स्टेशन बुला लिया। तुम्हारे दो वोट के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता है? जाओ जाओ जाओ। हाँ? सूर्या क्या हुआ बच्चों? तुम लोगों का सुबह एग्जाम है ना? फायर स्टेशन वाले पुलिस स्टेशन में क्या कर रहे हैं? एक गलती हो गई है भाई। गलती हो गई? गलती को सही करना तुम्हारे भाई कबाली का काम है। क्या हुआ बताओ भाई? वो भाई हा? वो मैं बाइक से आ रहा था तो रास्ते में। रहना, मैं भाई को बता रहा हूं ना, वो क्या है ना भाई, रहना की दीदी के घर से हम सब वापस लौट रहे थे। ये मुझे पता ही था। तो रास्ते में एक ने नशे में हमें मारा। मारा? तो गुस्से में आकर हमने भी धक्का दे दिया। क्या यार, उसने हाथ उठाया है? दो लगाने के बजाय सिर्फ धक्का देकर आ गए। धक्का देने से वो वहीं मर गया। मर गया? हाँ।
क्या यार, खून करने के बाद ऐसे खड़े हो? भाई ये खून नहीं है, अनजाने में हुआ हादसा है। क्या कहा, हादसा? इसीलिए सोच रहे थे कि पुलिस में कंप्लेंट लिखवा कर। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें चाय पिलाकर वापस भेज देंगे? मर्डर केस में अंदर करके जिंदगी खराब कर देंगे, उसके बाद फायर सर्विस का सपना सपना ही रह जाएगा, जिंदगी जेल में बीत जाएगी। क्या इतनी भी समझ नहीं है तुम लोगों में? कल एग्जाम है, तुम्हें उस पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा सुनो, पहले तुम लोग यहां से निकलो। भाई हाँ, छुपाने से कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? इस मामले में कोई भी परेशानी आएगी तो यहाँ तुम्हारा भाई है ना, देख लूंगा। तुम लोग जाकर सो जाओ। जीते रहो बेटा, माँ हमेशा तुम्हारे साथ है, परीक्षा में तुम्हें सफलता मिले। ए भाई, दो कप चाय देना। ए, उसे नीचे रखना। अरे रुकना, मैं बोल रहा हूँ ना। अरे एक बार मेरी बात तो सुन। थोड़ा रुक जाए यार, बात को समझा कर। क्या यार, अरे वाह। भाई हाँ, चाय। सूर्या ये क्या कॉपी करेगा? तू क्या हुआ, कल रात के बारे में ही सोच रहा है ना? पकड़ पी ले। ए पार्थ कहाँ है? सूर्या ए क्या हुआ? ये देख यार, पेपर में आ गया है। क्या आया है? रैना ने जिसे धक्का मारा था वो पशुपति का दोस्त जीवा था। कौन है ये पशुपति? भाई अपने जीवा को मार डाला। भाई देखो भाई, मैं जिंदा हूं अपने दोस्त को मरने नहीं दूंगा। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। शिवा। हाँ भाई। मेरे दोस्त को मारने वाले की शक्ल देखने वाला सूरी कहां है? अब मैं क्या करूं सूर्या? जीवा ने जब तुझे मारा था तब वहां एक और आदमी था, वो तुझे पहचान पाएगा क्या? ओए, 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 पता है तुझे किसको मारा है? उसका नाम जीवा है। ए, तू जानता है कि मैं कौन हूँ? मेरा नाम रैना है। गया, सब गया। रैना, तू अपना नाम और एरिया तो बताकर आ गया, अपने घर का एड्रेस भी बताकर आ जाता। तुझे ना
सूर्या, अब सब खत्म हो गया, हमारा साथ यहीं तक था, अब हम सब बच नहीं सकते। क्या एग्जाम, क्या नौकरी, अब मैं क्या करूं यार, जल्दबाजी में बोल गया, मैंने जानबूझकर नहीं किया था, उस समय कुछ समझ में नहीं आया, मुंह से निकल गया। बोलो ना, क्या हुआ? वो क्या है ना भाई, कल मेरे धक्का देने से जो मरा था। धक्का देने से मरा था तो? वो पशुपति का दोस्त जीवा था। देख भाई, तुम्हारे धक्का देने से मर जाए, जीवा उतना कमजोर इंसान नहीं है, बाहुबली फिल्म के प्रभास के जैसा मजबूत इंसान है। इस शहर पर राज करने वाले पशुपति का लेफ्ट राइट फ्रंट बैक टॉप और बॉटम सब कुछ वो जीवा ही है, है? सुबह सुबह आकर धक्का देकर मारा, चिमटी काट कर मारा, मजाक कर रहा है। ए, धक्का तो मैंने दिया था, तू अपना नाम क्यों बोल रहा है? ए, भाई मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये मैटर अब मैं देख लूंगा। जीवा को तूने धक्का नहीं दिया, मैंने दिया, समझा ना? ओके। अरे बाप रे, क्या बात कर रहे हो? हाँ भाई, पशुपति के दोस्त जीवा को किसी ने सड़क पर मार दिया है, माहौल बहुत गर्म है, कभी भी कुछ भी हो सकता है भाई। भाई मुझसे जो भी हुआ वो गलती से हुआ, ये बात आपको ही पशुपति को समझानी होगी और मुझे बचाना होगा। इस कबाली भाई को उस कुख्यात पशुपति के बराबर मानकर तुम लोग मुझसे हेल्प मांगने आए हो, ये मन को बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन भाई, तुम्हारा भाई जैसा तुम लोग समझते हो ऐसा नहीं है। सुई लगवाने से भी डरता हूं मैं, बस सबको डराने के लिए कबाली नाम रखा है, और तुम लोग तोप के सामने मुझे खड़ा होने के लिए कह रहे हो। भाई सूर्या, पशुपति को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, अब तक तू वो पलटन लेकर निकल चुका होगा, एक एक एरिया को छल्ली से छान मारेगा, तुझे सामने से आकर पकड़ लेगा, भाग जाओ, कहीं भी भाग जाओ, 6-7 महीने के लिए यहाँ से कहीं भी दूर चले जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। अगर आपसे नहीं होता है तो बता दो, हम लोग खुद पशुपति से मिलकर जो कुछ भी हुआ उसे बता देंगे। ए, चलो रे। पशुपति को बता दोगे? ओ माय गॉड, सूर्या एक मिनट, तुम लोग मेरे पास आए थे और ये बात तुम लोगों ने मुझे बताई थी, भगवान के लिए ये बात उसे नहीं बताना। आपका दिल बहुत बड़ा है भाई, लेकिन उसमें हमारे लिए जगह नहीं है। हमारे हाथों मरने वाला था वो जीवा, लेकिन किसी गुंडे के हाथों मारा गया। That's okay. So, कोई तो है जो उस पशुपति का हाल फिलहाल में दुश्मन बना है, और उसे मारने के लिए पशुपति जरूर बाहर निकलेगा, दोस्त के लिए नहीं, जीवा को मारने वाला कहीं उसे ना मार दे उस डर से। मैं नहीं डरता ये जताने के लिए वो जोर जोर से चिल्लाएगा, बस इसी मौके का सही इस्तेमाल करते हुए उस पशुपति का हम एनकाउंटर कर देंगे। अभी भाई ने बोला ना कि पशुपति कैसे भी मेरा पता लगा लेगा, चुपचाप से पुलिस के पास जाकर मैं सरेंडर कर देता हूँ यार। क्या? पुलिस में जाकर सरेंडर करेगा? और पशुपति क्या तुझे ऐसे ही छोड़ेगा? अभी परेशानी पुलिस की नहीं, पशुपति की है। देख, जैसा कबाली भाई ने बोला, 6-7 महीने के लिए हम कहीं चले जाते हैं। चलो मानता हूँ कि 6 महीने के लिए हम लोग कहीं चले जाएंगे, लेकिन फिर तो लौट कर आना होगा ना, फिर क्या होगा, क्या वो हम सबको माफ कर देगा? यार तुम लोग रहने दो, तुम लोग मेरे लिए इतना जोखिम मत लो यार, इस प्रॉब्लम से मैं खुद निपट लूंगा, एग्जाम का टाइम हो गया है, तुम लोग जाओ अपना एग्जाम दो। कहाँ जा रहा है? पशुपति के पास जाकर उससे माफी मांग लूंगा, मैं उसके पैरों में गिर जाऊंगा, मुझे छोड़ेगा तो ठीक, वरना मुझे मार देगा। अगर तू मरा तो तेरा परिवार भी मर जाएगा।
मैं अब क्या करूं यार? फैसला करना होगा कि अब हम एग्जाम देने वाले हैं या शहर छोड़कर भागने वाले हैं। मैंने फैसला कर लिया है। पशुपति हमें क्या उठाएगा? हम ही पशुपति को उठा लेते हैं। हे, कितनी आसानी से कह दिया तूने ये? पागल हो गया है क्या? हम पशुपति को उठाएंगे तो मामला और बड़ा हो जाएगा। तो अभी ये मामला कौन सा छोटा है? हादसे की जगह पर रैना को कोई देखा नहीं होता तो और बात होती, लेकिन एक ने देख लिया और उसी के सहारे पशुपति रैना को ढूंढ निकालेगा। और अगर उस समय रैना उसके हाथ लग गया तो क्या कैसे पूछे बिना वो मारकर चलता बनेगा। तो उससे पहले ही पशुपति को हम उठा लेते हैं। यार सूर्या, तू ये सब क्या कह रहा है? बचपन में जिस फायर सर्विस की नौकरी का सपना देखा था वो हमें करनी होगी। हम पांचों एक साथ करेंगे, उससे पहले हमें जिंदा रहना होगा। उसके लिए मैं जो चाहे कर सकता हूँ। अब तुझे क्या लगता है, हम उसे उठा पाएंगे क्या? वो भगवान है क्या? इंसान ही है ना, हम कर सकते हैं। आग में जाते समय जिंदा वापस आ पाएंगे ये सोचकर जाते हैं क्या? ये भी वैसा ही है। शहर के सारे गुंडे यहीं पर हैं। इनके बीच में से हम पशुपति को कैसे उठाएंगे यार? कोई चांस नहीं है। पिछले हफ्ते 8 लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारने वाला आनंद भी यहीं पर है। चुप कर यार। सूर्या, इतने लोगों के बीच से उसे उठाना बहुत मुश्किल है। वो चाहे जितने लोगों से घिरा हुआ हो मैं उसे उठा सकता हूँ, अगर तुम लोग मेरी बात सुनो तो। रैना और दास, तुम लोग वहां छुप जाओ। सांबा, कोल्हापुर रोड के पीछे पशुपति को हमने देखा था ना, वहां तू और पार्थ जाके छुप जा। मैं अभी अंदर जा रहा हूँ। मैं अंदर जाकर देखूंगा कि वहां हो क्या रहा है। वहां जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं पशुपति को उठा लूंगा। अगला प्लान क्या होगा मेरे बताने तक तुम लोग कुछ भी मत करना। ओके ओके ओके, ओके। जो चाकू मेरे सीने पे लगने वाला था उसे मेरे इस दोस्त ने अपने हाथों से रोक लिया था। नहीं छोड़ूंगा इसे, जिसने भी मारा है उसे नहीं छोड़ूंगा मैं। ए, शिवा, कहाँ है वो सूरी? कहाँ है वो सूरी? जीवा, 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 जीवा। क्यों बे? रोज दारू पीने के लिए साथ रहता था, मरकर साथ नहीं निभाएगा? बता किसने मारा मेरे दोस्त को? बोल, बता, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे माफ कर दो पशुपति, कल रात नशे में क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं, सब भूल गया मैं, सब भूल गया। सब भूल गया? क्या हो गया जीवा? बच गए। अह
क्यों रे? जब उसके साथ मजे करने थे तब सब याद था, मरते ही सब कुछ भूल गया? तू भी वहीं जा। बताओ मुझे, किसने मारा आखिर उसे? कौन है वो? इस वक्त चेन्नई के सारे गुंडे यहाँ पर आए हुए हैं, बस एक को छोड़कर, विराज, विराज सिंह। विराज सिंह! भाई भाई सुनो, इस वक्त जाना ठीक नहीं। छोड़ो मुझे। जज्बात में कोई गलती मत कर देना, जीवा के मरने के बाद पुलिस आपके पीछे है भाई, आपका एनकाउंटर। क्या ये मुझे डरा रहा है? डरा रहा है मुझे? किसी गुंडे के हाथ मरने से अच्छा है कि लोग ये कहें कि पशुपति एनकाउंटर में मर गया। जाओ। मैंने गुंडागर्दी भले छोड़ दी हो लेकिन मैंने भुलाया नहीं है, ये विराज को दिखा के रहूंगा। बच गए हम सब यार। सूर्य निगाना, डरने की बात नहीं है। हे, अब तेरे सामने कोई परेशानी नहीं है। हाँ भाई। तू भी ना। पार्थ है यार। हाँ बोल पार्थ। क्या बात कर रहा है? हाँ यार, पशुपति ने हमारा पता लगा लिया है। उसने कैसे पता लगा लिया? सूर्य, सूर्य। अरे पशुपति को कैसे पता चला? हाँ? क्या हुआ? क्या भाई, डर गया था ना? ए, डरने की कोई बात नहीं है, पशुपति को हमने उठा लिया है भाई। क्या हुआ, भरोसा नहीं है क्या? ए, ये क्या बोल रहे हो? मेरे साथ कैसे? ए सांबा, बिना कुछ बताए उसने हमें यहाँ क्यों भेजा है? देख, उसकी बात में वजह तो जरूर होती है। ए, ये क्या हो गया? लगता है किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट? ए, रुक जा, मत जा। रुक, छोड़ मुझे। ए सामा, रुक ना। अरे रुक जाओ, मत जाओ। ए सामा, रुक, आ जा इधर। ए सामा, रुक जा। ए, ये तो वही है, अपना सूर्य भाई है। अबे नहीं, ये पशुपति है। क्या बोला? पशुपति भाई है। यार अब हम लोग क्या करें? उठाओ मुझे। हे, मुझे ये हमें उठाने के लिए कह रहा है। तो उठा लेते हैं ना।
सब तेरी वजह से, मैंने मना किया था। भाई जा। इससे पहले इस प्रॉब्लम में हम इन्वॉल्व थे ये तो पता नहीं, लेकिन अब हम सब लोग इस प्रॉब्लम से जुड़े हैं। पियो पियो ना। ए सांबा, जब तू पशुपति को उठा कर लाया था तो किसी ने देखा था क्या? नहीं। पशुपति ने देखा था क्या? बारह सालों तक बैठकर सपना देखने से कुछ नहीं होता, सही समय पर एग्जाम भी देना होता है। आज के दिन के लिए ही तुम सब इतने समय से सपना देखते आ रहे थे और उसे ऐसे ही जाने दिया? सर, प्रॉब्लम हो गई थी। एग्जाम न दे पाओ, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हो गई थी भला? तुम सबके झुके हुए सर देखकर लग रहा है तुम सबने कोई गलती की है। कोई ऐसी वैसी प्रॉब्लम तो नहीं जिसकी वजह से पुलिस केस बन जाए? क्योंकि तब तुम्हारे फायर सर्विस का सपना सपना ही रह जाएगा। तुम सबको बताना मेरा फर्ज था, बता दिया, आगे तुम सबकी मर्जी। वो कहकर गए हैं कि हम किसी पंगे में ना फंसे, लेकिन हमने पंगा हाथ में ले लिया है। अब पशुपति का हम लोग क्या करें यार? अरे तू चुप कर यार, रहना तो नाम और एरिया बताकर आया था, लेकिन तुम लोग पशुपति को हमारे एरिया में ही उठा कर ले आए। ए, चाहे तो उसे जहाँ से उठाया था ना वहीं जाकर छोड़ देते हैं। ए, अरे यार। गोद में उठाकर घूमते रहे, वो क्या बच्चा है, गुंडा है वो। मुंह बंद कर अपना। सूर्य 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 सूर्य, मैं एक आइडिया दूं क्या? बोलना। तू कहे तो पशुपति को, हाँ पशुपति को मार दे क्या? पीछे देख ले तू। हे भगवान, इसे होश आ गया, ये तो सामने खड़ा है। उसने हमारी बातें सुनी होंगी यार। सुनो लड़कों, मुझे बचा लो। बचा लो? मेरे हाथ खोल दो। खोलना यार, जल्दी खोलो, और पैर भी। थैंक्स बेटे, तुम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मैं चलता हूँ। हे, उसके कानों में रुई किसने लगाई थी? वो मैंने। भाई, कौन था पशुपति? बोलना, कौन था वो? बोलता क्यों नहीं? सिरसपुर का कोई गुंडा मेरी जगह पाना चाहता है। जीवा को मारकर अगले ही दिन मुझे किडनैप किया है। इसका मतलब पहले जीवा और फिर मैं। नहीं छोड़ूंगा, इससे पहले कि वो मुझे मारे मैं उसे मारूंगा। और उसके लिए सिरसपुर के जितने भी छोटे बड़े गुंडे हैं, सारे के सारे सब मुझे यहाँ चाहिए, मेरे सामने आने चाहिए। भाई,
मैं अभी के अभी सबको आपके सामने लेकर आता हूँ। ओए एक मिनट रुक, तो कुछ नहीं कर सकता। जैसा तू सोच रहा है सिरसपुर में तेरा कोई किडनैप कर सके या जीवा को मार सके, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां कोई गुंडा है ही नहीं। फिर भी अगर तुझे लगता है कि वहां पर कोई गुंडा है तो वो कौन है उसे पहचान कर उसे पकड़ने का छोटा आइडिया है मेरे पास। मैं जो कहूंगा मानेगा ना? अरे नहीं, अर्जेंट कहकर बुलाया था। अरे सूर्या, एग्जाम दे दिया ना, नौकरी कब मिल रही है? भाई वो हुआ ये था। क्यों कि... भाई बात क्या है? अभी इसने एग्जाम ही तो दिया है, इतनी जल्दी नौकरी कैसे मिल जाएगी? अरे कोई छोटी मोटी नौकरी है क्या? सरकारी नौकरी है, उसमें टाइम लगता है, जाओ अपना काम करो। गलती से पूछ लिया, माफ कर दो। हाँ। ऐसा भी क्या पूछा मैंने जो ये इतना गुस्सा हो रहे हैं छोटी सी बात पर? पापा सोच रहे हैं कि मैंने एग्जाम दे दिया है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अगली बार एग्जाम दे देना, ठीक है? जोनल ऑफिसर, ये यहां क्यों आ रहे हैं? बाय डैडी, टेक केयर, बाय। अरे सूर्या, लड़की को पटाने से पहले पता कर लेना चाहिए था वो किसकी बेटी है। अब देख लिया ना, वो जोनल ऑफिसर की बेटी है। ए गधे, प्यार करने से पहले देखा जाता है कि लड़की का बाप कौन है? लेकिन सूर्या, तुझे थोड़ा देखना चाहिए था। हाँ हाँ, एक पंगे में फंसकर एग्जाम तो छोड़ दिया, ये नई मुसीबत अलग से आ गई है। अरे यार, नौकरी तो अब मिलने से रही, फायरमैन तो दूर, वायरमैन भी नहीं बन पाएंगे। अरे सूर्या, सूर्या, सुन तो। तुम लोग चुप नहीं रह सकते क्या? कभी भी कुछ भी बोल देते हो। ए, छोड़ ना उनकी बात को, सोनल ऑफिसर से जाकर मैं तेरे प्यार की बात करूं क्या? सुनो, तुम्हारे पापा ही जोनल ऑफिसर हैं, ये बात मुझसे क्यों छुपाई? वो तो मैं तुमसे प्यार करके मैं उनको धोखा नहीं देना चाहता, भूल जाओ मुझे। रुको सूर्या, तुम एक बात नहीं जानते, मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसकी वजह पापा ही हैं। बचपन से ही मेरे पापा मेरे हीरो हैं, लेकिन मेरे पापा के हीरो कौन है जानते हो? तुम। जब से तुमने नौकरी ज्वाइन की है, पापा जब भी घर आते हैं तुम्हारे बारे में बात करते हैं। सूर्या ने ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया। सूर्या अच्छा है, बहादुर है, हर दिन इसी तरह तुम्हारी तारीफ कर करके मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार जगाने वाले पापा ही हैं। लेकिन वसुमती, सिर्फ फोटो में ही देखा था तुम्हें, फर्स्ट टाइम जब मंदिर में देखा तब अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। उस दिन भगवान से कुछ नहीं मांगा, बस तुम्हें ही मांगा था। अब मेरे पापा को वजह बनाकर तुम मुझे इनकार कर रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, तुम लोगों की जिंदगी बचाते हो ना, प्यार मेरी जिंदगी है, मेरे प्यार को मत छीनो। वसुमती, मुझे माफ कर दो,
आज के बाद इन हाथों को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। हेलो। ए, सूर्या। यही रुको, मैं आता हूं। गाड़ी रोक। कौन है तुम में से सूर्या, जिसने मेरे दोस्त को मारा, मुझे किडनैप किया और तुम लोगों से ही मुझे अपनी जान की भीख मांगनी पड़ गई? कौन है, कौन है वो सूर्या? भाई वो सूर्या मैं हूं भाई। ए मुंह बंद रख भाई, वो सूर्या मैं ही हूं। मुझे जो चाहे वो कर लो, लेकिन इन्हें छोड़ दो, इनका इसमें कोई लेना देना नहीं है। भाई ये मुझे बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं, असली सूर्या मैं ही हूँ। मुंह बंद करना भाई, मैं ही सूर्या हूँ। आपकी कसम खाकर कह रहा हूँ भाई, मैं ही सूर्या हूँ। चुप करो ना। मैं हूँ सूर्या। अरे मैं हूँ सूर्या। चुप करो। क्या हुआ भाई? अब तू बोलेगा कि सूर्या मैं हूँ? ये लोग ऐसे नहीं बताने वाले हैं भाई। मैं इन्हें मार देंगे तो भी नहीं बताएंगे, दोस्ती है इनकी, लेकिन मुझे सूर्या चाहिए। बुलाओ उसे। ऐसा लगता है इन्हें पहले कहीं देखा है। ओह माय गॉड, कमीना टकला एक जूस के लालच में हमें मरवाने चला है। इन लोगों को भी उठा लिया। हाँ? बाहर ताला और अंदर दारू, मुझे भूल गए, मैं भी आ रहा हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, तुम लोग कौन हो भाई? डैडी, मम्मी, डैडी, मम्मी, स्टॉप! सिर्फ एक पैक पिलाकर एक घंटे से पीट रहे हो। भाई बात क्या है ये बताकर पीटने को कहो। क्यों रे? सिरसपुर में ऐसा कौन है जिसने जीवा को मारा और पशुपति का किडनैप किया? तू तो जानता ही होगा वो कौन क्या है। क्या कहा? पशुपति का किडनैप किया था? अरे कमीनो, ये तो उन्होंने मुझे बताया ही नहीं। देख लूंगा उन्हें। मन में कहने वाली बात जोर से बोल गया। भाई मैं आपकी कसम खाकर कहता हूँ कि नाटक कर रहा है तुझे तुम्हें? बताता हूँ भाई, तुम्हारा किडनैप किसने किया ये पता नहीं, लेकिन जीवा को किसने मारा ये मुझे पता है। किसने मारा? सूर्या। कौन है वो सूर्या? आसपास के एरिया में कहीं भी आग लगती है तो फायर सर्विस के पहुंचने से पहले वहां पर 5 लड़के पहुंच जाते हैं, उन्हीं में से एक है सूर्या। सूर्या।
भाई भाई भाई, लड़के बेकसूर है भाई, अनजाने में गलती हो गई थी, उन्हें छोड़ दो भाई। अच्छी बात है कबाली, छोड़ देता हूँ, लेकिन सूर्या को छोड़कर बाकी चारों को लेकर तू जा सकता है। भाई नहीं भाई, चल निकल। भाई कहा ना निकल। ठीक है भाई, ठीक है। भाई मेरे सर पर बाल नहीं है तो क्या अकल भी नहीं होगी क्या पशुपति भाई? मैं मानता हूं कि तुम बहुत दबंग हो, लेकिन फिर भी मैं इनका साथ नहीं छोड़ सकता हूँ। इस एरिया में कहीं भी किसी को तकलीफ होती है या फिर कहीं कोई हादसा होता है तो वहाँ ये पांचों लड़के बिना जान की परवाह के पहुँच जाते हैं। सूर्या ने जो भी किया वो अनजाने में किया, इसीलिए चाहे जो भी हो जाए सूर्या कौन है मैं नहीं बताऊंगा। क्या कर लोगे भाई, मुझे मार दोगे? तो मार दो ना, मार दो, मार दो ना। हो गया कबाली, तुझे जो कहना था कह लिया ना। शिवा अब ये नहीं मर सकता। डर गया, बन गया मेरा काम। तू ही काउंसलर है। कुछ ज्यादा ही बोल गया था। हाँ? शिवा इसकी जुबान काट दे। जुबान? ओके, सीएम बनकर देश के लिए जान देने वाला था यह शरीर, आज इन लड़कों के लिए अपनी जुबान दे देगा। काट दो। रुक जा। अगर मेरे भैया को कुछ भी हुआ ना तो अगले ही सेकंड तेरा भाई मर जाएगा। अरे लेकिन कैसे, कैसे? ये मेरा एरिया है, मेरी जगह, मेरे लोग हैं, कैसे मारेगा तू? मेरे हाथ एक बार खोल कर तो देख, दिखाता हूं। देख क्या रहा है, तेरा ही एरिया, तेरी ही जगह, तेरे ही लोग हैं, डर गया क्या? तुम पांचों की जान मेरे हाथ में है, ये जान के भी डरने के लिए कह रहा है? तो सूर्या तू ही है। शिवा बोलो भाई, इसके हाथ खोल दे, देखते हैं ये क्या कर लेगा। Thank you.
किसी की जान लेना हमारा काम नहीं है, जान बचाना है। तेरा दोस्त कौन था मैं नहीं जानता, मैं कौन हूं तेरा दोस्त नहीं जानता था। रास्ते से जाते हुए मुझे रोक कर थप्पड़ मारा, गुस्से में मैंने धक्का दिया तो वो मर गया। जो हुआ वो कत्ल नहीं था, हादसा था। उसने मुझे मारा वो जानबूझ के किया था, लेकिन उसका मरना अनजाने में मेरी गलती थी। किसी को मारना हमारा मकसद नहीं था, समझा? हम जीना चाहते हैं। प्यार, पत्नी, बच्चे, सर्विस, मेडल, ऐसे कई सपने हैं हमारे। अनजाने में तेरे दिल को ठेस पहुंचा दी, हमें माफ कर दो भाई। तेरी मौत मैं, मेरी मौत तू, हम क्यों डिसाइड करें? जीते हैं ना, जब तक हमें प्रकृति मौत नहीं देती तब तक खुशी से जीते हैं ना। चलो रे। आज तो बहुत अच्छा दिन है ए दास, बहुत मजा आएगा। पशुपति की कैद से हम लोग जिंदा बचकर आ जाएंगे, मैंने सोचा भी नहीं था। अब जाकर टेंशन खत्म हुई। ए, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, पशुपति को हम पीट कर आए हैं, मार कर नहीं। क्या बात कर रहा है यार, मतलब वो दोबारा आ जाएगा? पक्का है वो आएगा। क्या बात है, तो याद था तुम्हें? जो भी हो थोड़ा टू मच नहीं था ये? मैंने तो एक बात के लिए रुको कहा था, तो क्या तुम यहीं पर खड़ी रहोगे? हेलो, ज्यादा हो रहा है तुम्हारा। रुको रुको, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। फोन आने के बाद जैसे ही तुम निकले मैं भी यहाँ से चली गई थी। माँ के हाथ की भिंडी की सब्जी घी के पराठों के साथ खाकर बहुत मजा आया और अच्छी सी नींद भी आई। माँ ने उठने के बाद मुझे चाय पिलाई, उसे पीते वक्त ही मेरे दिल ने कहा कि तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आओगे, इसलिए यहाँ आ गई। टेंशन में मैंने अपना अप्रैल फूल बनवा लिया। अब बन ही गए तो कोई बात नहीं। वैसे तुमने कहा था ना हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, तो फोन आते ही छोड़कर क्यों भाग गए? वो ना, सॉरी यार, आग के बारे में कोई फोन आए तो मैं क्या करता हूँ मुझे खुद नहीं पता चलता। अब हमारे आसपास कोई भी नहीं है, बस हम दोनों ही हैं। अब मैं तुम्हारे करीब आकर तुम्हारे गले में हाथ डालकर तुम्हारे होठों के करीब आऊंगी। अब अगर इस फायरमैन को किसी का फोन आ गया तो ये क्या करेगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बारिश में कभी आग नहीं लगती ना। हमारे काउंसलर। अब से तेरा नाम शार्प सामा है। मैं? गब्बर दास। हाँ? साकाल पार्थ। हाँ? जब्बर रैना। तुम देख क्या रहे हो सूर्या, आज शहर के सारे गुंडों के लिए तुम ही हेडलाइन बने हुए हो। जिस समय पशुपति को तुमने बुरी तरह पीटा उसी समय से तुम हाईलाइट हो गए। यस, कौन है वो सूर्या, कैसा दिखता है? घुंघराले बाल हैं क्या? खतरनाक दिखता है? दांत बड़े हैं क्या? बॉडी बिल्डर है क्या? शहर के सारे गुंडों के बीच सिर्फ तुम्हारी ही बातें चल रही हैं। सारे गुंडे तुमसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं। तुम सिर्फ हाँ बोलो, सारे गुंडों के तुम बॉस बन जाओगे। मैंने पशुपति को मारा, ये बाकी गुंडों को कैसे पता चला? अरे मैं हूँ ना, सारे गुंडों को मैंने व्हाट्सएप कर दिया था। सही किया ना? व्हाट हैपेंड? ये क्या कर दिया आपने? हा? अगर पशुपति को पता चल गया तो? तो क्या उखाड़ लेगा वो? रहना, पशुपति अब मरे सांप के जैसा है, वो कुछ नहीं कर सकता। सूर्या भाई, बस तुम हाँ बोलो, पूरे सिरसपुर को सूर्या के नाम से हिला कर रख दूंगा। पशुपति की जगह मेरी हुई, उसके नीचे की जगह तुम्हारी, क्या बोलते हो? तुम्हें तो अरे ठीक है, पशुपति की जगह तुम्हारी और उसके नीचे की जगह मेरी, अब क्या बोलते हो? अरे भाई, तुम्हें अकल नहीं है क्या? मैंने गुंडा बनने के लिए उसे पीटा था, तुम सबको कुछ होना चाहिए इसलिए पीटा था, इतना भी समझ में नहीं आता? हमें गुंडा बनाना चाहते हो? सॉरी यार, अगर दोबारा कभी ऐसी बकवास बातें करोगे ना तो पशुपति ने कहकर जो काम नहीं किया वो मैं कर दूंगा। धत, ये तूने क्या किया कबाली? अरे हाँ,
पशुपति ने ऐसा क्या कहा था जो नहीं किया? इसकी जुबान काट लो। गुड मॉर्निंग सर। सर आओ नारायण मूर्ति, कैसे हो? ठीक हूँ सर। आपके इतने रिक्वेस्ट के चलते मैंने ऊपर से बात करके इस स्पेशल एग्जाम के लिए परमिशन ली है। अब तो खुश हो ना? सर आपने जो ये हेल्प की है ना, उससे डिपार्टमेंट को 5 बेहतरीन फायरमैन मिलने वाले हैं। आपका धन्यवाद सर। सर आइए, सर आइए आइए। सुनो सर आए, आइए ना सर। हाँ आइए। हाँ सर कैसे हैं सर? फाइन सर। सर कैसे हैं सर? मैंने अपनी सिफारिश से तुम्हारे लिए एग्जाम लेटर निकलवाया है। इस बार तुम सब अच्छी तरह से एग्जाम दो और फायर सर्विस में आ जाओ। ए लेटर लेना। सूर्या सूर्या लेना। अरे क्या हुआ? मुझे माफ कर दीजिए सर, आप हमारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। आपसे एक बात छुपा कर मैं ये लेटर ले नहीं पा रहा हूं सर। आपकी बेटी वसुमती और मैं, वो मैं कैसे बोला भी नहीं चाह रहा है सर, बोले बिना रहा भी नहीं चाह रहा है। आपकी बहुत इज्जत करता हूं सर। hey, hey. किस बात पर इतना गुस्सा है? ए, सूर्या, तुझे देखकर ही हम सब फायर सर्विस ज्वाइन करना चाहते थे। अगर हमें नौकरी नहीं भी मिली तो क्या हुआ? जाने दे, हम सब अपनी फायर सर्विस जारी रखेंगे। आग से कोई न जले, इसीलिए हम ये काम करते हैं और आखिरी दम तक करते रहेंगे। विद्या, विद्या। हाँ हाँ जी, क्या हुआ? तुम्हारी बेटी सूर्या से प्यार करती है। हे भगवान। ए, क्या रे, ये सच कह रहे हैं क्या? वो ना माँ, तुझे इसलिए मैंने डॉक्टर के लिए भेजा था। ए, तू एक डॉक्टर है, डॉक्टर, और तू एक फायरमैन के साथ? छी, ए रुक जा, क्या बकवास किए जा रही हो? तुम खुद एक फायरमैन से शादी कर सकती हो, लेकिन तुम्हारी बेटी एक फायरमैन से प्यार कर रही है तो वो तुम्हें मंजूर नहीं? वो बात नहीं है जी। तुम्हारी सिलेक्शन बहुत अच्छी है। ये आप क्या कह रहे हैं जी? देखो भाई, हमारी बेटी तुम्हारी पसंद से डॉक्टरी पढ़ रही है। अच्छा? अब मेरी पसंद के मुताबिक ये एक फायरमैन से शादी करने वाली है। थैंक यू डैडी। मतलब फायरमैन प्लान काम कर गयो। आइए जेंटलमैन, आपके जोनल ऑफिसर ने इस बार कहा है एग्जाम बिल्कुल मिस मत करना और अच्छे से पास होना। अब तो खुश हो ना? हे भाई, कब तक? ए तू सो जाना। अरे यार,
क्यों बे, चैन से सो रहा है ना? लेकिन मैं तुझे सोने नहीं दूंगा। तूने अपनी औकात तो दिखा दी, लेकिन मैं कौन हूँ ये मैं तुझे दिखाऊंगा। और उसके बाद तू चैन से नहीं सोएगा, तड़पेगा। नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। तेरे साथ रहने वाला हर कोई मरेगा, बहुत बुरी मौत मरेगा। उन्हें देखकर तुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं होगा और तू खुद ही अपनी गर्दन काट कर मरेगा। अगर तू वाकई में मर्द है तो उन्हें मुझसे जरा बचा कर दिखा। चलता हूँ। इंसल्ट इंसल्ट इंसल्ट, ग्रेट इंसल्ट। अरे छोड़ ना सूर्या, भूल जाओ उसे। अपने एरिया में वो कुछ नहीं कर सका, हमारे एरिया में क्या कर लेगा? ये तो मुझसे भी लंबा है। अब मैं क्या करूं? भाई को एक मिनट का टाइम दो, अंदर जाकर आराम से गहराई से सोच कर आता हूं। ये सोचेगा इतना नाटक किस लिए? ये सब मेरे हिसाब क्यों होता है? शहर के सारे गुंडों को बोल चुका हूँ, पशुपति की जगह मेरी है, उसके नीचे की जगह सूर्या की है। अब मैं क्या करूँ? अगर उसे पता चल गया तो? गहराई से सोचने में भाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रास्ता छोड़ो। नो रेस्पेक्ट। रास्ता छोड़ो ना भाई, जो बची खुची इज्जत थी वो भी चली गई। तुम ही काउंसलर हो। देखो भाई, ये नहीं समझना कि मैं मौत से डरता हूँ। अगर उस पशुपति ने जैसा कहा था मेरी जुबान काट लेगा तो मैं दर्द नहीं झेल पाऊंगा यार। क्या है? इतनी कॉमेडी क्यों करते हो? क्या कहा? कॉमेडी? यार सूर्या, अब हम क्या करें? करेंगे, कुछ तो करेंगे। पशुपति ने जो भी कहा वो हम उसे नहीं करने देंगे। तुमसे कुछ नहीं होगा भाई। होगा। अरे वाह, आखिर सूर्या मैदान में उतर ही गया। अब से पशुपति की जगह उसकी और उसके नीचे की जगह मेरी। फिर मजा ही मजा। सूर्या तुम कर सकते हो? हाँ भाई, मैं कर सकता हूँ, लेकिन तुम कर पाओगे वो ही नहीं पता। पता नहीं क्या होने वाला है भाई। नहीं रुकना। ठीक है भाई, पशुपति ने मुझे मारा ये कहेगा तो क्या कमिश्नर भरोसा करेगा? सलाम वालेकुम। हाँ? सलाम वालेकुम। हाँ? भाई, हाँ? तुम्हारे काले रंग पे ये सफेद पट्टी कंफ्यूजन पैदा कर रही है। एक कालिया दूसरे को देखकर कालिया बोल रहा है। भाई, तुम इतने दिनों से जो एरिया में नेता बनने की एक्टिंग करते रहे वो हाँ? नहीं चलेगी। हमने जो सिखाया है ना उसे कमिश्नर से ठीक से बताना। भाई, मैंने कई राजनीति मीटिंग में झूठ बोले हैं। एक नेता को सच बोलना मुश्किल होता है, झूठ बोलना बहुत इजी होता है यार। क्या हुआ, कुछ बोला क्या? नहीं, नेता कब सच बोलता है? क्या बात है, अपने डिपार्टमेंट की बात चल रही है। उनके लिए झूठ बोलना आसान है तो हमारे लिए एनकाउंटर करना आसान नहीं है क्या? कर दो एनकाउंटर। कहिए भाई, बोलो ना भाई। मेरे सर पर रॉड मारकर मुझे मारना चाहता था डॉक्टर साहब। क्या? डॉक्टर? कमिश्नर साहब। किसने मारा? सूर्या ने भाई। सारे गुंडों का गुरु
पति पशु भाई ने। किसने? पति पशु भाई ने? पशुपति भाई ने। क्या बकवास कर रहे हो? अरे ये बकवास नहीं सर, मैं बताता हूँ सर, पशुपति की दोस्त जीवा को मैंने ही मारा था। ए, 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 क्या बकवास कर रहा है तू? यार जो सच है वो बोल रहा हूँ। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, चल सर ये थोड़ा सा पागल है सर। ए, हाँ, तू चल सर। बस कर सूर्या, मेरी वजह से तुम सब फंस गए, अब तू जा यार, अब उसकी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए यार। रहना, कुछ मत बोल। मैंने ही शुरू किया था, मैं ही खत्म करूंगा। रहना। हे, छोड़ यार। मैंने पता किया तुम लोगों के बारे में, कई जानें बचाई हैं तुम सबने, बस अनजाने में उस एक मौत की वजह बन गए हो। उस जीवा को तो मरना ही था। तुम सब भले लोग हो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तुम लोग जाओ यहां से, मैं सब देख लूंगा। सर, भले ही जीवा एक गुंडा क्यों ना था, इस लड़के ने उसे मारा है, ये कानून की नजरों में गुनाह है सर। उस पशुपति को इतने दिनों तक जिंदा छोड़कर रखना गलत नहीं है क्या? कोर्ट में घुसकर जज को मारेगा, पुलिस स्टेशन में घुसकर हमारे स्टाफ को मारेगा, जो करना है वो करेगा। अब जान के डर से मैंने गुंडागिरी छोड़ दी, बोलेगा तो बच जाएगा क्या? मैं नहीं छोड़ूंगा उसे, उसे मरना ही होगा। अब तक हमें यह नहीं पता था कि वो किस पर हाथ रखने वाला है, पर अब पता चल गया कि वो कहां हाथ रखने वाला है। अरे ठीक से करो ना, लगता है लगता है इससे काम नहीं चलेगा। तुम जाओ मशीन लेकर आओ, मशीन डालने से ही ठीक होगा। अच्छा ठीक है। छी, इस एरिया में ये परेशानी होती ही है। मानिक राम, मानिक, मानिक राम, मानिक राम, मानिक राम, मानिक राम, मानिक राम। Thank you.
पापा, पापा, ये क्या हो गया? पापा, पापा, ये क्या हो गया? पापा, पापा, ये जगह तूने पहचानी क्या? पशुपति ने जो कहा था वो कर दिखाया। आज से तेरी जिंदगी में कहीं भी कुछ भी कभी भी हो सकता है, तू उसे रोक नहीं पाएगा। पशुपति, पशुपति नहीं था तो मेरे पापा को मारने वाला कौन हो सकता है? उसने चोट पहुंचाई है, उसके दिए हुए चोट से यहां दर्द हो रहा है। उसे नहीं छोड़ूंगा। सर, जीवा जहां मरा था वही मेरे पापा को मारा है। पक्का पशुपति का कोई आदमी अभी भी जिंदा है और उसी ने मेरे पापा को मारा है। नो 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 नो, वो मवाली जीवा अनाथ था और जिस दिन पशुपति की मौत हुई उसके साथ उसके सारे लोग भी मारे गए, और हम जानते हैं पशुपति का अब एक भी आदमी जिंदा नहीं बचा है। तुम्हारे पापा की मौत के 8 घंटे पहले ही पशुपति और उसके लोग मारे जा चुके थे। सर, ये मैं नहीं कह रहा हूं,
पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है। ऐसा कौन है जो पशुपति और तुम्हारे पापा को मार सकता है, ये सोचकर हम भी परेशान हैं। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, विल सी। ए सूर्या, क्या हुआ यार? कौन होगा, कौन है जिसने ये सब किया? क्या पता। सर, ओके सर, अभी आया। सूर्या, किसका फोन था? जोनल ऑफिसर थे, अर्जेंटली बुलाया है, मैं जाकर देख के आता हूं। सर, बेटा। सर क्या बात है सर? वसुमती गायब है। सर कहाँ गई कुछ पता नहीं, मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, उसकी फ्रेंड से पूछा लेकिन किसी को पता नहीं, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। सूर्या बहुत डर लग रहा है मुझे। सर डरिए मत सर, हिम्मत रखिए, मैं देख लूंगा सर, लेकर जाइए इन्हें, जाइए सर। नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, तेरे आसपास जितने भी लोग हैं सब मरेंगे। बहुत बहुत पशुपति। पशुपति गायब है, बहुत डर लग रहा है मुझे। This number can't be reached right now. Please try later. This number can't be reached right now. Please try later. This number can't be reached right now. Please try later. This number can't be reached right now. Please try later. सुमति, मैं रहना बोल रहा हूं। ए, रहना कहां है तू? वो सुमति कहां है? अबे चुप कर, जो बोल रहा हूं वो सुन। अगले 10 मिनट में जो जगह बता रहा हूं अगर वहां पर तू नहीं आया तो 11वें मिनट में तेरे दोस्तों और तेरी गर्लफ्रेंड की तुझे लाश मिलेगी। अगले 20 मिनट के बाद जहां जीवा मरा था वहां ये सारे लोग उल्टे लटके मिलेंगे। अब फैसला तू कर ले, आएगा या नहीं आएगा। कहां आना है मुझे? जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा बोल दिया। सूर्या देखना, यहां जरूर आएगा और उसके बाद तुम्हें वो जिंदा। नहीं, पक्का ये रहना नहीं था, कोई और है, इसके पीछे कोई और है, लेकिन कौन? कौन है, कौन है? अगर असली मर्द है तो सामने आना। क्यों
किन्नार। आंखें फाड़ कर क्या देख रहा है? बीच रास्ते पर जिस जीवा को तूने मारा था ना, वो जीवा मेरा था। जैसे एक मर्द एक औरत से सच्चा प्यार करता है, वैसे ही मेरे किन्नर होते हुए भी मेरा पति मुझसे सच्चा प्यार करता था। पति? किन्नरों को गंदी नजर से देखने वाले इस समाज में मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाकर मेरी जिंदगी को मेरे जीवा ने एक मकसद दिया था। मेरे जीवा को मारने पर भी पशुपति ने तुझे माफ किया ना? गलत किया, इसलिए मार दिया उसे। जीवा को मारने वाले की गर्दन पर चाकू रखा था ना, मार डालना चाहिए था उसे। क्यों माफ किया रे? ज़बान संभाल के। मैंने माफ कर दिया था क्योंकि उसने जो कहा उसमें सच्चाई थी, लेकिन उसने मुझ पर हाथ उठाया था ना, बस बिना किसी हथियार के बिना खून निकाले इस मुंह के जरिए उसे मार आया मैं। अब वो हर पल मेरी डर की दहशत से घुट घुट कर मर जाएगा। तो फिर जीवा को मारने वाले को तू मारेगा ऐसा क्यों कहा था? हाँ हाँ कहा था, इसलिए कहा था कि जीवा को मारने वाला मुझे ना मार डाले ये सोचकर। ओहो, अपने दोस्त को मारने के लिए तू उन्हें नहीं ढूंढ रहा था, अपनी जान बचाने के लिए ढूंढ रहा था, है ना? हाँ, तो मर चुके जीवा के लिए उन लड़कों को हाथ लगाऊंगा तो एनकाउंटर में कौन मरता? मैं मरता ना? तो मर ना। मर जाना। मर जा। के मरने पर सिंदूर मिटाकर मंगलसूत्र तोड़कर एक कोने में बैठकर मैं रोऊंगी ऐसा लगा था क्या? नहीं। मेरे पास जो एक खुशी थी वो भी तूने उजाड़ दी, अब तेरी सारी खुशियां मैं कैसे उजाड़ूंगी, देखेगा क्या? देखेगा तो देख। नहीं, पहले मेरी बात सुनो। मेरी बात तो सुन लो। जीवा की मौत असल में कत्ल नहीं थी, वो हादसा था। इन सबको छोड़ दो। नहीं छोड़ा तो छोड़ना पड़ेगा। रहने दे, तुम पर हाथ उठाने का भी मन नहीं कर रहा है, जाओ। नहीं, नहीं, मेरी बात मानो। नहीं, नहीं, नहीं। Oh!
तेरा बाप था ना वो, इसलिए उसे भी तड़पा तड़पा कर मारा। अब ये सब कैसे मरेंगे देखेगा, देख। मेरे बार बार ना करने पर भी हाथ उठवा ही दिया, अब तो सुन ले। हे कांत, क्यों मेरे जीवा को मारा? बाल, मुझ जैसे किन्नर में भी दिल जान प्यार होता है, कभी तुम लोगों ने सोचा है क्या? मेरे जीवा ने सोचा था मुझसे प्यार करता है, कहा था ये सब सपना है, सोचने से पहले ही उसने मुझसे शादी करके मुझे पत्नी बनाया था। भले ही मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती, लेकिन किसी को गोद लेकर अपना परिवार बसाना चाहती थी, लेकिन तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। ऐसा तूने क्यों किया? मेरी बात तो सुन लो, भगवान के लिए मेरी बात सुन लो। नहीं नहीं नहीं, सुनो मेरी बात सुनो। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। एक लाश की तरह जिया जा सकता है क्या? अपने जीवा के बिना इतने दिनों से मैं ऐसे ही जी रही थी, अब इसके बिना तुझे भी ऐसी जिंदगी जीनी पड़ेगी, जीनी पड़ेगी। ऐसा क्यों किया तूने? तूने क्या गलती की थी? तेरे पापा को क्यों मारा इसने? उस दिन जब मैं बाइक से अकेले आ रहा था, उसने दारू पीकर मुझे पीटा था, खुद को बचाने के लिए धक्का दिया था, वो मर जाएगा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरी बात तो सुनो, कहा था ना मैंने, तुमने नहीं सुनी। मेरे पापा को मार डाला, अब बस मेरे दोस्त रैना ने अनजाने में गलती कर दी, तुमने भी गुस्से में गलती कर दी,
यहीं पर खत्म करो। मैं फिर से कहता हूं, किसी की जान लेना हमारा काम नहीं है, बचाना है। हेलो सिरसपुर फायर स्टेशन, कहाँ, कब, अभी आ रहे हैं।